बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का पेपर 28 अगस्त के दिन होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों साइकोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर पूरा का पूरा ओरिजिनल है और आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, विषय कोड आपका 324 रहेगा, एग्जाम में टाइम 1 घंटा 30 मिनट का आपको मिलेगा। टोटल ये जो एग्जाम होगा 50 नंबर का एग्जाम होगा और मैं कोशिश करूंगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में आपको बता दूं, ठीक है? तो फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, फिलहाल ऑब्जेक्टिव का तो उत्तर मैं बता दूंगा कंटिन्यू, और इसका डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के रूप में आपको सब्जेक्टिव का आंसर की मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? तो चलो सेशन ए में देख लेना, इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, किन 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे 8 से 12 बजे का डेली 8:30 बजे रात में क्लास होता है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है? नोट्स वगैरह दिया जाता है जिससे पढ़ करके 450 नंबर भी ला सकते हो। तो आगे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? तो पहला का नोट करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका पर्सोना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको ए नंबर पहला का नोट कर लेना है। दो नंबर क्वेश्चन है, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो दो का ऑप्शन डी नोट करना है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है दो नंबर का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर, और ये प्रश्न आपसे बोला गया, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है किस चीज़ को? तो नोट करना है, ऑप्शन सी होगा यह परा हमको, ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और ये बोला, निम्न में से कौन स्व का संज्ञात्मक पहलू है? तो नोट करना है 4 का, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट होगा, ये होगा आत्म स्व प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है? तो 5 का नोट करना है, ऑप्शन ए होगा आत्म जो है ना निषेचन, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, और ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। आगे आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये आपसे पूरा पूछा कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? तो 6 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर, यानी कि शिथिलीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो ये बोला, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो 7 नंबर का नोट करना है, ऑप्शन ए होगा चिंता, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जो है नोट कर लेना है। 8 नंबर है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 नंबर का नोट करना है आप लोगों को, ऑप्शन वी होगा, यानी कि 3 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन वी नोट कर लेना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोला, बंदूरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रवृत्ति की का उपयोग किया? तो आपको नोट करना है, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी करेक्ट होगा, यानी कि मॉडलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कि दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इनमें से कौन? तो 10 नंबर का नोट करना है। देखिए इसका प्रॉपर प्यारे बच्चों मुझे आंसर जो है याद नहीं है, तो मैं जो है आपको बोलूँगा इसे छोड़ देने के लिए। 25 क्वेश्चन आपको बनाना है ना, तो लगभग मैं 5 क्वेश्चन का इस वीडियो में उत्तर नहीं बता पाऊँगा, तो उसे आपको छोड़ना है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर, जना वायम आवोदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 11 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, नोट करना है खिंचाव, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, केनन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो 12 का नोट करना है, ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा आपका संवेग, तो नोट करना है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आइए बिना देरी करते हुए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चिंता विकृति की विकृति की श्रेणी किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्रति बल विकृति, स्नायु विकृति, मनोदशा विकृति, चिंतन विकृति। तो देखो ये जो है ना चिंतन विकृति में रखी जाती है, तो नोट करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आप 14 का नोट करिएगा,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आधुनिक युग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अपराधों का, आराधना का, भौतिकता का, जीवन की अस्थिरता का, तो ये आपका जो है जीवन की स्थिरता का होगा। ठीक है, तो नोट करना है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोला कि इस मनोविकृति में विद्युत शॉक का प्रयोग किया जाता है, तो 15 का ऑप्शन बी होगा, नोट करना है अवसाद पर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। ये बोला मन स्नायु विकृति रोग के रोग को का रासायनिक लक्षण क्या है, तो 16 नंबर का आपको नोट करना है ऑप्शन डी होगा, ये आपका कष्ट होगा, पैन होगा, ऑप्शन डी नोट करना है। प्यारे बच्चों, शायद इसका उत्तर मैंने आपको गलत बता दिया था, यहाँ पर देखना। इसका 13 नंबर का जो उत्तर था ना, ये था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी था, नोट कर लेना आप लोगों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर तो हम बता ही दिए। अब है 17 नंबर, निम्नलिखित में से दुर्विधि का लक्षण कौन है, तो 17 का ऑप्शन बी नोट कर लेना है। ऑप्शन बी यानी कि कह सकते हो सिर दर्द होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल। एक सेकेंड, 17 है, अरे 17 का निम्नलिखित में से कौन दुर्विधि का है, तो मंद हृदय। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका उत्तर बता दूँ, जाना चलिए। तो 17 है, 16 का मैंने आपको अभी बताया था, इसका जो था ऑप्शन नंबर बी नंबर था 16 का, क्या एक सेकेंड, 16 का बी था या नहीं, डी था, नहीं, चलो तो इसका मुझे प्रॉपर नहीं याद है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका याद नहीं है, इसको छोड़ लेना। 18 है, मन स्नायु विकृति के रचना काल कौन है, तो 18 का नोट करना है। 18 का ये भी नहीं याद है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, अब कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा आपको। उससे पहले जो है आंसर और बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ, मैं आपको दिखाने का एक बार कोशिश करूँगा। आप नीचे आएंगे तो देख सकते हो, ये है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, एक सेकेंड, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह का उत्तर, ये सारा आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप लोग इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, यहाँ पर सर्च पहले मिथुन स्टडी सेंटर करना है, फिर ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आपको जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है क्लास 12th का सेशन मिलेगा देखने को। चलिए, यहाँ पर क्लास 12th का सेशन, ये फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12th फर्स्ट में एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके फिर नीचे आना। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना, नीचे थोड़ा सा और आना है। देखिए, आज के सेशन में साइकोलॉजी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। इस प्रकार से होगा, पेज को रिफ्रेश जरूर करना, तभी आंसर की भी आपको जो है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जब तक नहीं रिफ्रेश करोगे। नीचे आना तो ऑब्जेक्टिव का आंसर के पहले से अपडेट कर दिया हूँ, सब्जेक्टिव का आंसर की मैं यहाँ पर जस्ट अभी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर है, शारीरिक जो है ना बाहम विकृति पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है, तो आप नोट करेंगे ना 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लेना है। शारीरिक बनावट ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 20 नंबर है, मनो जो ना विदलता किस प्रकार का रोग है, तो 20 का ऑप्शन बी नोट करना है, जटिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर नोट करना है, भूकंप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, तो 22 का नोट करना है ऑप्शन सी यानी कि रेडी सेल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहे हैं कौन, तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 24 है कि भोपाल में गैस ट्रास्डी किस सन में हुई थी, तो 24 का नोट करना है ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 24 है क्या, अरे 24 का डी नंबर होगा प्यारे बच्चों, 1984 में, ऑप्शन डी नोट करना है। 25 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वायरस क्या है, तो वायरस जो है ये एक प्रकार का जो है ना एंटीजन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 26 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 का ऑप्शन बी नोट करना है, 5 जून को, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो 27 का सी नंबर होगा, प्राकृतिक से संबंधित होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 से निम्न में से कौन मानव निर्मित है? तो आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर होगा, प्रदूषण, ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रतिबल है? तो आप 29 का नोट करेगा, ऑप्शन ए होगा भूकंप, ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 30 नंबर है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है? तो 30 का ऑप्शन डी नोट करना इनमें से सभी। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊंगा। आप कुछ क्वेश्चन वगैरह को देख सकते हो, आत्म क्या है, आत्म किसे कहते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑल भी प्रेस करके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।